इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 2A और 2B के बारे में, और देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और हम लोग को आईटीसी जो क्लेम करना है वो किस बेसिस पे करना है और कैसे करना है, और देखेंगे कि 2B का जो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किस बेसिस पे बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मेनली जो डिफरेंस है दोनों में कि 2B जो होता है वो स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब है कि अगर वो एक बार जनरेट हो गया फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन 2A जो है वो हमेशा फ्लैक्चुएट होते रहता है ना। क्यों होते रहता है? क्योंकि अगर उससे रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई अक्टूबर का बिल था, या तो फिर मान लीजिए उससे पहले का कोई बिल था, सितंबर का बिल था जो सितंबर के रिटर्न में नहीं गया, वो अक्टूबर के रिटर्न में गया, तो ये भी किस ये अक्टूबर के रिटर्न में गया तो ये जो था बिल वो किस मंथ के 2A में रिफ्लेक्ट करेगा? सितंबर के मंथ के 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन किस मंथ के 2B में रिफ्लेक्ट करेगा? तो ये अक्टूबर मंथ के जो 2B होगा उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या होता है ना कि इसलिए हमेशा जो 2A होता है वो हमेशा फ्लैक्चुएट करते रहता है, ठीक है। तो ये वैसे भी अब इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा नहीं है, इसको अब सिर्फ आप यूज कर सकते हैं ओनली फॉर व्यू ओनली, है ना। अगर आपका कोई बिल जनरेट हुआ है तो मोस्टली सारा इनवॉइस है, सब ई इनवॉइस आने लगा है, तो जो ई इनवॉइसेस है वो आपका क्या है, विद इन 2 डेज आपको यहाँ पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यू कैन सी ओवर द 2A कॉलम। तो इस तरह से हम लोग 2A देखते हैं, 2A बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, तो इस तरह से दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब देखिए 2B जो जनरेट होता है, डेट ऑफ जनरेशन ये है कि 14th, मतलब आफ्टर 13th, मतलब 14th को ये जनरेट हो जाता है, ठीक है, 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर मान लीजिए अभी क्या है, अभी आपका नवंबर चल रहा है, इससे पहला अक्टूबर है, तो अक्टूबर मंथ का जो 2B होगा वो कब जनरेट होगा? ये जनरेट होगा आपका 14th ऑफ नवंबर को। इसके पीछे रीजन है, रीजन क्या है कि 11th जो होता है, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ वो तो लास्ट डेट होता है वो आपका GSTR1 फाइलिंग का, और फिर और जो 13th होता है वो IFF फाइलिंग का होता है, तो 2 दिन। इसीलिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान हमेशा ये चीज रखना है कि जो लोग बहुत सोचते क्या है कि हम 13 14 को जनरेट होता है तो हम अपना R1 12 को फाइल कर देंगे, जो रेगुलर डीलर है जिसका ड्यू डेट 11 है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जो 11 को जिसका ड्यू डेट है अगर 12 को फाइल करते तो वो उस मंथ का ITC में, मतलब 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो उस समय क्लेम नहीं कर पाएगा ITC। तो इसलिए आपका जिसका ड्यू डेट 11th है उसको 11th या 11th से पहले अपना GSTR1 फाइल करना पड़ेगा, जिसका ड्यू डेट 13th है उसको या तो 13th या तो 13th से पहले फाइल करना पड़ेगा, तभी सामने वाला आपका क्रेडिट ले पाएगा। तो ये मेजर डिफरेंसेस हो जाता है, और ये टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2B को जो डिजाइन किया गया है वो कैसे किया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोलता है कि फॉर्म GSTR2B शैल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर लास्ट कट ऑफ डेट ऑफ दैट इज 13th ऑफ नवंबर 2022। तो इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे डिजाइन किया, प्रीवियस मंथ का हम लोग 2B देखते हैं। देखिए जो 2B है ना बेसिकली ये है, 2B को जो और भी एक डिफरेंस बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखिए 2B में ना थोड़ा ये थोड़ा अलग अलग सब चीज बता देता है कि कौन सा इनवर्ट और इनवर्ट सप्लाई ISD है, ITC किस पे लेना है, ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पे कैटेगराइज, मतलब 2B को जो स्ट्रक्चर्ड किया गया है ओवर द, मतलब एकदम 3B के टाइप से किया गया है। 3B का जैसे जैसे मैं ITC का जो कॉलम होता है कॉलम नंबर 4, ठीक है, उसको उसी तरह से डिजाइन किया गया है पूरा, कि ITC मतलब जो टेबल नंबर 4 होता है GSTR3B में उसी के अनुसार से। जैसे देखिए है ना ITC अवेलेबल, ये समरी है, ये समरी है, समरी पे क्लिक करें ITC अवेलेबल में, तो यहाँ पे आपको समरी दिखा रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे क्या दिख रहा है, टोटल आपका ये सारा चीज है, ऑल अदर ITC सप्लाइज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इनवर्ट सप्लाइज फ्रॉम ISD, इनवर्ट सप्लाइज फ्रॉम लायबल फॉर रिवर्स चार्ज, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, एकदम मतलब एज पर GSTR3B का जो 4 नंबर कॉलम है उसके अनुसार से इसको स्ट्रक्चर्ड किया गया। इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑल टेबल्स, जैसे कि किसका किसका यहाँ पे कौन कौन सा जो है, ये आपका पूरा जो भी है बिल बिल वाइज अगर आप डिटेल्स देखना चाहते हैं तो ये सारा चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारा है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ऑल अदर ITC सप्लाइज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, इनवर्ट सप्लाई लेवल टू आई सॉरी इनवर्ट इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम ISD, इनवर्ट सप्लाई लेवल फॉर रिवर्स चार्ज, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, ITC रिवर्सल, कुछ भी है तो आपको जो भी है आपका उसी के अनुसार से यहाँ पे देखिए डिटेल करिएगा तो सारा चीज आपको दिख जाएगा, है ना, पूरा का पूरा आपका जो भी है उसी तरह से 2B को यहाँ पे पूरा मॉडलाइज किया गया है। तो ये था पूरा डिस्कशन, और हम लोग को अगर मान लीजिए कि 2B डाउनलोड करना है तो यहीं पे देखिए ना डाउनलोड GSTR2B डिटेल्स इन एक्सेल फॉर्मेट, तुरंत करिएगा, ये सारा एक्सेल में आ जाएगा। एक्सेल में जब आइएगा तो इसको समझना थोड़ा सा है, एक्सेल को क्या किया है, एक्सेल में आपको देखना है तो इसके लिए आपको देखना है थोड़ा सा कि देखिए ये तो समरी हो गया कि टोटल बता दे रहा है क्या है नहीं है, रीडमी,
आईटीसी अवेलेबल का जो समरी है एकदम सेम टू सेम यहाँ पे दे दिया आपका। आईटीसी नोट अवेलेबल का जो समरी है वो यहाँ पे है। बी टू बी इनवॉइसेस जितना है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। बी टू बी अमेंडमेंट अगर कुछ हुआ है तो यहाँ पे दिखेगा। बी टू बी का अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट है तो यहाँ पे दिखेगा। बी टू बी क्रेडिट नोट डेबिट नोट का अगर अमेंडमेंट है तो इस कॉलम में दिखेगा। अगर आईएसडी है, ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला केस वाला जो आईटीसी है तो यहाँ दिखेगा। अगर आईएसडी में कुछ अमेंडमेंट हुआ है तो यहाँ दिखेगा। अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है, ठीक है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जो है बिल ऑफ एंट्री होता है उसमें वो वाला अगर कोई इनवॉइस है तो यहाँ दिखेगा। अगर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एसईजेड यूनिट है तो वो चीज़ यहाँ दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि बेसिकली सारा चीज़ हम लोग देखते हैं, और टू बी से हम लोग आईटीसी ऑन द बेसिस ऑफ टू बी हम लोग क्या करते हैं, आईटीसी क्लेम करते हैं। देखिए एक बार आप इस फॉर्मेट को देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखिए अगर अगर थ्री बी में आप जाइएगा, ठीक है, देखिए अगर हम लोग टू बी को देखेंगे, सॉरी सॉरी थ्री बी को देखेंगे, और थ्री बी का जो इनपुट वाला कॉलम है, ठीक है, ओ सॉरी मतलब यहाँ पे ओपन ही नहीं होने देगा। देखिए थ्री बी का जो ये एलिजिबल आईटीसी का कॉलम है ना, इसके अंदर जैसे जैसा भी फॉर्मेट है, देखिए एज इट इज इसी तरह से जो टू बी का जो फॉर्मेट है यही रखा गया है, पूरा का पूरा सिमिलर है एकदम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, है ना। तो इसी के बेसिस पे टू बी भी जनरेट होता है, यहाँ पे सारा वही जो डेटा टू बी में जनरेट होता है ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है। योर अमाउंट इज इतना, सिस्टम कंप्यूटेड इज इतना, तो मतलब जो सिस्टम कंप्यूटेड है मतलब ये डेटा कहाँ से लाया, तो टू बी से लाया। तो इस तरह से हम लोग देखे कि टू बी जो है अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और ऑटोमेटिक जनरेट होता है। आपको हमेशा फॉलोअप करते रहना है सामने वाला पार्टी को, ताकि वो टाइम पे अपना रिटर्न डाले, ताकि आप टाइम पे आईटीसी क्लेम कर सके। थैंक यू सो मच।